बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे बहन भाई सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज। आज की वीडियो में मैं पकौड़े बनाने लगा हूँ जी। बारिश का मौसम है तो मैंने सोचा कि आप बहन भाइयों के साथ वीडियो शेयर करता चलूँ। तो पकौड़े मैं कैसे बनाऊँगा मैं यहाँ बहन भाई को बताता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिस बहन भाई ने मेरा चैनल शबीर भाई ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आइए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, पकौड़े बनाने के लिए आलू ले लिए जी मैंने 3 अदद आपके सामने, और एक टमाटर भी है, ये सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें, एक प्याज और पालक भी ऐड करूँगा मैं इसमें, और ये दड़ा मिर्च है मेरे पास 1 चम्मच, और सूखा धनिया भी है 1 चम्मच, लाल मिर्च है 1 चम्मच, और नमक है 1 चम्मच। तो अब जल्दी से मैं इन चीज़ों को काट लेता हूँ, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। साथ साथ आपको दिखाता हूँ कि मैं पकौड़े कैसे बनाता हूँ। बारिश हो रही है तो बच्चों ने कहा कि हमने पकौड़े खाने हैं, तो मैंने कहा जी वेलकम, पकौड़े बना देता हूँ आपको। तो सोचा कि आप बहन भाई के साथ वीडियो शेयर करता चलूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर मैं इन चीज़ों को जल्दी से काट लेता हूं। ये देखें जी, चीज़ें मैंने सारी काट ली हैं, या दोस्त देख सकते हैं। पालक भी है इसमें, सब्ज़ धनिया, आलू, प्याज, टमाटर सब कुछ काट लिया। अब इसमें मैं बेसन ऐड कर लेता हूँ। पकौड़े मैं ज़रा ज़्यादा बना रहा हूँ, साथ पड़ोसियों को भी देंगे, बारिश हो रही है तो मसाले भी ऐड कर लेते हैं। अब इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। लें जी, पकौड़ों का मटेरियल जो है वो तैयार कर दिया मैंने। तो अब मेरा ख्याल है कि कढ़ाई की तरफ चलते हैं और पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए जी शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप बहन भाइयों को वीडियो जो है वो पसंद आएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाथ की मदद से बनाऊंगा मैं, क्योंकि पकौड़े जो हैं वो हाथ से बनाए जाएं तो वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। चम्मच वाली गेम जो है वो मैं नहीं खेलता हूँ, ख़ास करके पकौड़ों के साथ। बाहर बारिश लगी हुई है और मैंने पकौड़े बनाने शुरू कर दिए। आप भी ट्राई करें, क्योंकि बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में ये चीज़ें जो हैं वो सर्दियों में खासकर अच्छी लगती हैं। पकौड़े मैं डाल रहा हूँ जी कढ़ाई में। चूल्हा जो है वो मैंने ज़्यादा तेज़ नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि फिर अंदर से पकौड़े जो है वो कच्चे रह जाते हैं। तो दरमियानी आंच है, दरमियानी आंच पे बना रहा हूँ मैं। अल्लाह अकबर। अभी मैंने इसमें डाल दिए, आहिस्ता आहिस्ता पकने शुरू हो गए। तो ये मैंने ऑस्ट्रेलियन तोते भी रखे हैं और वो भी साथ साथ बोल रहे हैं, लगता है उन्हें भी सर्दी लगी हुई है। तो वैसे तो मैंने उन्हें किचन में शिफ्ट किया है क्योंकि बाहर सर्दी होती है, तो वो बेचारे बता भी नहीं सकते, इसीलिए मैंने उन्हें किचन में शिफ्ट कर दिया है।
अब इनकी साइड जो है वो चेंज करते हैं, जो आप देख सकते हैं दोस्त, पालक वाले पकौड़े आलू जो है मैंने लंबे लंबे काट लिए थे, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल जैसे बाज़ार में पकौड़े मिलते हैं। देखें जी दोस्तों, पकौड़े तैयार होने वाले हैं। बारिश का मौसम और गर्मा गर्म पकौड़े ना हो तो अच्छा नहीं लगता, हो तो फिर अच्छा लगता है। ये आप बहन भाई देख सकते हैं, अब कुछ देर में ये तैयार हो जाएंगे, क्रिस्पी और स्पाइसी। आप भी बनाएं, बच्चों को बना के दें, बारिश के मौसम में तो ये चीज़ें जो है वो अच्छी लगती हैं, लेकिन घर में बनाएं, बाहर की चीज़ों से परहेज करें, घर में खुद बनाएं, क्योंकि घर में जो चीज़ बनती है वो साफ सुथरी होती है। यार दोस्त देख सकते हैं, एक मिनट में, एक से दो मिनट और फ्राई कर लेंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। ये देखिए अंदर तक गल गए, हल्की आंच पे बनाएं तो अंदर से कच्चे नहीं रहते। मैं निकाल लेता हूँ, भी देख सकते हैं तैयार हो गए, इन्हें निकाल के और डालते हैं इसमें। लें जी ये मैंने निकाल लिए, अब मैं और डालता हूँ। चले जी बिस्मिल्लाह, अल्लाह। पकौड़े जब भी बनाएं हल्की आंच पे बनाएं और हाथ की मदद से बनाएं, तब ये अच्छे बनते हैं, क्योंकि चम्मच से जो बनाए जाते हैं वो कुछ खास नहीं होते। और मैंने ऐड कर दी है इसमें, ये आप बहन भी देख सकते हैं जी, थोड़े से मैं ज्यादा बना रहा हूँ क्योंकि साथ पड़ोस में तो बच्चे भी हैं तो उधर भी देंगे, इसीलिए मैंने थोड़े से ज़्यादा बनाए हैं। साइड चेंज करते हैं इनकी,
माशाल्लाह अब देख सकते हैं कि ये टूट नहीं रहे, वो इसलिए क्योंकि बेसन में पानी मैंने ज़्यादा नहीं डाला, पानी ज़्यादा डालें बेसन ज़्यादा पतला बनाए तो फिर पकौड़े जो हैं वो टूटते हैं। तो ये आपके सामने ही है, तकरीबन मैंने आधा किलो बेसन जो है वो ऐड किया था। आप बैंकन को दिखाता चलूँ, बस कुछ ही देर में पकौड़े हमारे जो है तैयार हो जाएंगे। देखें जी माशाल्लाह, चलिए जी अभी मैं निकाल लेता हूँ, डिश में निकाल लेते हैं। अब और ऐड करता हूँ इसमें, पहले वाले मैंने निकाल लिए, शोर न करो। बिलाल ने जो ऑस्ट्रेलियन तोते रखे हैं वो भी साथ साथ बोल रहे हैं। लें जी अभी लगता है मैं सारे ही इसमें डाल दूँ ताकि जल्दी से बन जाए। बच्चे जो हैं वो वेट कर रहे चलें जी अब मैंने इसमें सारे ऐड कर दिए। अब चूल्हा जो है वो थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं और वीडियो पूरी वॉच करें प्लीज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब इन साइड जो है वो चेंज करते हैं, शोर न करो, चिड़ियाँ तोते शोर मचा रहे हैं। नहीं जी दोस्तों, दो मिनट के लिए और पका लेते हैं ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। चलें जी अब मैंने निकाल लेते हैं, थोड़े हमारे जो हैं वो बन गए।
लें जी दोस्तों, पकौड़े हमारे तैयार हो गए, ये आप बहन भाई देख सकते हैं। तो ओके जी, कल मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक रमजान बहुत सारा ख्याल रखें और शबीर भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।